टाइटल ऑफ द टॉपिक इज चेंज साइफर स्पेक एंड अलर्ट प्रोटोकॉल्स सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस टॉपिक को कम्पलीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ साइफर स्पेक एंड अलर्ट प्रोटोकॉल्स ऑफ एस एस एल इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं जो मेटीरियल है दे हैव टेकन फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक है टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी असेंशियल एप्लीकेशन एंड स्टैंडर्ड्स दिस बुक वॉज पब्लिश इन टू थाउजेंड एंड फोर्टीन Uh, the Change Cipher Spec protocol is one of the three SSL-specific protocols that use the SSL Record protocol, and it is the simplest. So, this Change Cipher protocol hai, uh, uh, iska purpose it consists of a single message of a single byte with one val with a value of one. So, this protocol has only one message, which has only one field, and its value is one. What does this value one hai, ye kya indicate? Hai? Its sole purpose is to cause पेंडिंग स्टेट टू बी कॉपी करंट स्टेट और ये अपडेट क्या करता है ये अपडेट करता है द साइफर सूट टू बी यूज ऑन दिस कनेक्शन जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान उसका जो साइफर सूट है उसके स्टेट को क्या कर रहा है अपडेट कर रहा है तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो चेंज साइफर स्पेक्स प्रोटोकॉल है इसकी वैल्यू क्या है वन है और ये एक ही बाइट का है इसके अंदर एक ही फील्ड है और वन बाइट का है ये जो चेंज साइफर स्पेक्स प्रोटोकॉल है दिस वर्कस एज ए पे लोड फॉर द एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल तो चेंज साइफर प्रोटोकॉल अलर्ट प्रोटोकॉल हैंडशेकोटोकॉल दीज थ्री प्रोटोकॉल दे आर अवेलेबल एट द सेम लेवलिकेशन लाइक एच टी टीपी एफ टीपी एस एम टी पी तो ये हमारा जो चेंज साइफर स्पेक्ट प्रोटोकॉल है ये एज ए पेलोड काम करते हैं फॉर द एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल अब हम आते हैं जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है एस एस एल का वो है अलर्ट प्रोटोकॉल और ये जो अलर्ट प्रोटोकॉल है दिस इज यूज टू कन्वे

वर्क एज ए पे लोड फॉर द एस एस एल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल जो पहली फील्ड है उसमें दो वैल्यूज हो सकती है इंडिकेट हो, हो सकता है और ये कन्वे क्या करेगा इट विल किटी ऑफ द मैसेज इफ द लेवल इज फैटल एस एस एल इमीजिएटली टर्मिनेट द कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका था अगर लेवल फैटल हो जाता है तो ये कनेक्शन क्या हो जाता है फॉरन से टर्मिनेट कर दिया जाएगा अदर कनेक्शन ऑन द सेम सेशन मे कंटिन्यू बट नो न्यू से ऑन दिस सेशन बी सेटैब्लिश ये किसके केस में ये फैटल के केस में जो हमारी जो सेकेंड बाइट है इट कंटेन्स ए कोड दैट इंडिकेट्स द स्पेसिफिक अलर्ट अब वो बताता है कि अलर्ट क्या है फर्स्ट वी लिस्ट ऑलवेज फैटल दीज आर द डेफिनेशन फ्रॉम द एस एल स्पेसिफिकेशन पहला अलर्ट क्या है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड मैसेज और ये क्या इंडिकेट करता है एन इनअप्रोप्रिएट मैसेज वॉज रिसीव्ड बैड रिकॉर्ड अंडरस्कोर मैक और ये क्या है इनकरेक्ट करेक्ट मैक रिसीव्ड रिसीव डीकम्प्रेशन फेलियर द डिकम्प्रेशन फंक्शन रिसीव्ड इन प्रॉपर यू इनपुट विच वॉज फॉर एग्जाम्पल अनएबल टू डीकम्प्रेस और डीकम्प्रेस टू द ग्रेटर वैल्यू देन मैक्सिमम अलाउबल लेंथ एक और अलर्ट क्या हो सकता है हैंडशेक हैंडशेक फेलियर हो सकती है इसका क्या मतलब है सेंडर वॉज अनएबल टू नेगोशियट एन एक्सेप्टेबल सेट ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर्स गिवन द ऑप्शन अवेलेबल फिर एक और अलर्ट क्या हो सकता है इन लीगल पैरामीटर ए फील्ड इन एन हैंड शेक मैसेज वॉज आउट ऑफ रेंज और इनकन्सिस्टेंट सो जो दूसरे जो अदर रिमेनिंग अलर्ट है वो कौन कौन से हैं क्लोज अंडर स्कोर नोटिफाइ ये क्या नोटिफाई करता है इट नोटिफाइज द रेसिपियंट देंडर विल नॉट सेंड एनी मोर मैसेजेस ऑन दिस कनेक्शन तो जब यह आ जाए तो ईच पार्टी इज रिक्वायर्ड टू सेंड ए क्लोज अंडर स्कोर नोटिफाइड अलर्ट बिफोर क्लोजिंग द राइट साइड ऑफ द कनेक्शन फिर एक और अलर्ट क्या हो सकता है नो अंडरस्कोर सेट सर्टिफिकेट दिस में भी सेंट इन रिस्पॉन्स टू ए सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इफ नो अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट वॉज अवेलेबल तो अगर कोई सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था तो उसके रिस्पॉन्स में ये मैसेज भिजवाया गया बेड सर्टिफिकेट इज एन अलर्ट जो क्या इंडिकेट करता है इट इंडिकेट्स दैट ए रिसीव सर्टिफिकेट वॉज करप्ट फॉर एग्जाम्पल कंटेन ए सिग्नेचर दैट नॉट वेरीफाई। फिर एक और अलर्ट हो सकता है अनसपोर्टेड सर्टिफिकेट दिस इंडिकेट दैट टाइप ऑफ द रिटिफिकेट इज नॉट सपोर्टेड फिर एक और अलर्ट uh, क्या हो सकता है सर्टिफिकेट रिवोक दिस इंडिकेट दैट दर्टिफिकेट है और इसे यूज नहीं किया जा सकता certificate expired it indicates that the certificate has been expired फिर एक और अलर्ट क्या हो सकता है सर्टिफिकेट अनोन सम अदर अनस्पेसिफाइड इश्यू अरोज इन प्रोसेसिंग द सर्टिफिकेट ट्रेंडिंग इट अनएक्सेप्टेबल तो इस टॉपिक में हम लोगों ने एस एस एल का जो चेंज साइफर स्पेक्ट और जो अलर्ट प्रोटोकॉल है इनको इनकी वर्किंग को डिस्कस किया है